फ्रेंड्स, मैं हूँ आपका दोस्त सचदाना। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कबूतरों, सर्दियों में कबूतरों को ठंड से बचाने के बारे में। ठीक है, आमतौर पर सर्दी में जो वो कबूतरों को ठंड लगने के ज्यादा खर्चा होता है, तो इसलिए आज मैं दो नुस्खे जो है वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। पहला नुस्खा जो है वो आप नोट तो माने कि आपने दाल चीनी लेनी है, जिसे हम कैसिया भी बोलते हैं। आपने जो है वो आध पाव आपने जो है वो दाल चीनी लेनी है। करना क्या है, आपने जो है 3 लीटर पानी लेकर उसको जो है वो आपने उसमें दाल चीनी डाल के हल्की आंच पे आपने जो है वो उसको पकाना है, यानी कि उबालना है। ठीक है, तो जब पानी जो है वो 3 लीटर से 1 लीटर रह जाए, तो आपने उसको उतार कर किसी प्लास्टिक की बोतल में महफूज कर लें। ठीक है, और वीक में एक दफ़ा, यानी कि हफ्ते में आपने एक बार जो है वो हाफ कप ऑफ टी, यानी कि आधा कप जो है वो चाय का, वो आपने जो है वो 1 लीटर पानी में, कबूतरों को नीम गर्म पानी में जो है वो आपने हाफ कप ऑफ टी जो है वो डालकर इस्तेमाल करवाना है। ठीक है, इसका फ़ायदा होगा कि आपके कबूतर जो है वो छोटी मोटी जितनी भी एंटी जो वायरल या बैक्टीरियल है, जो बीमारियाँ छोटी मोटी बीमारियों से आपके कबूतर जो है महफूज रहेंगे, और आप जो है वो आपके कबूतरों को जो है वो यानी कि वो गर्म भी रहेंगे, सर्दी से भी महफूज रहेंगे। एक नेचुरल जो है वो एंटीबायोटिक है, इससे जो है कुदरती जो है वो एंटीबायोटिक है, इससे जो आपके कबूतर की कुत मुदाफियत जो है, इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो क्या होगा, इम्प्रूव होगा, स्ट्रॉन्ग होगा, और जो है वो बीमारियों से, छोटी मोटी बीमारियों से आपके कबूतर जो है वो महफूज रहेंगे। ठीक है, और दूसरा नुस्खा जो है वो भी देसी है। उसके लिए आपने 10 अदद काली मिर्च लेनी है, 10 अदद काली मिर्च, उसके बाद 10 अदद जो है वो लौंग ले लेने हैं, उसके बाद 1 इंच जो आपने सूंड लेना है। ठीक है, 1 इंच सूंड, जिसे हम जो जिंजर भी कहते हैं। उसके बाद 5 अदद आपने बड़ी इलायचियाँ लेनी है, 5 अदद बड़ी इलायचियाँ, और सौंफ जो होते हैं वो आपने 1 खाने का चम्मच लेना है सौंफ। उसके बाद जो है वो 10 अदद आपने जो है वो 10 अदद 1 इंच की जो है वो दालचीनी, 10 अदद जो है वो डंडिया आपने या 10 अदद जो 1 इंच की 10 डंडिया जो आपने दालचीनी की लेनी है। ठीक है, तो इसको आप करना क्या, आपने 2 लीटर पानी ले लें, 2 लीटर पानी में आपने ये सारी चीज़ें जो है उसमें डाल के उसको जो हल्की आँच पे जो है वो उबाल लें। उबालने के बाद जब पानी जो है वो 1 लीटर रह जाए, तो उतार के किसी प्लास्टिक की बोतल में आप उसको महफूज कर लें, और जो वो हफ्ते में जब एक बार आप जो है उसको, यानी कि हाफ कप जो चाय का जो आधा कप है वो आप जो 1 लीटर नीम गर्म पानी में डालकर जो है वो आप कबूतरों को इस्तेमाल करवाएं। ठीक है, अगर घर भी ज़्यादा है, धुंध पड़ रही है, ठीक है, स्नो फॉलिंग हो रही है, तो फिर आप जो है वो वीक में, हफ्ते में 2 बार भी इस्तेमाल करवा सकते हैं। इससे आपके जो कबूतर जो हैं वो सर्दियों में जो है वो महफूज रहेंगे। ठीक है, सर्दी से जो है वो महफूज रहेंगे सर्दियों में, क्योंकि आमतौर पर कबूतरों पे जो बीमारियों का ज़्यादा अटैक होता है, तो इसलिए अपने कबूतरों को महफूज रखें, अपने डरबे को जो है वो जब वो बंद रखें, उनकी एयर टाइट कर दें, कपड़े वगैरह जाली वगैरह लगा के, प्लास्टिक जो है वो कागज वगैरह लगा के उनको बंद कर दें, उनकी हवा ना लगे, और जो अपने कबूतरों को सर्दियों में जब 24 घंटे में आपने जो है वो एक बार पानी इस्तेमाल करना, एक बार पानी वाला या 2 बार, तो जब धूप निकली हुई है तब पानी यूज करवाना, और जो है वो जब पानी पी लें कबूतर को, पानी जो पानी जो गर्म पानी में आपने ये इस्तेमाल करने जो है वो ये बीमारियों से इंडिकेशन के लिए वायरल डिजीज है उससे। ठीक है, अगर आपको ये समझ आई है तो इसको लाइक और शेयर करें।